हेलो बारने, कैसे आप सब? मैं एकदम बढ़िया। रहने की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं हूँ गुजरात के अंदर प्रेजेंट टाइम पर, और पीछे मैं देख रहा हूँ मेरे जो पीछे बस खड़ी है, इस बस में मैं आया हूँ। और अभी रेस्टोरेंट पर रुके हैं सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए, नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट के लिए, साथ में सुबह सुबह जिसको लगा वो कर सकते हैं यहाँ पर। और बस दिखाऊँ मैं आपको, तो इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर ये वाली बस है, इस वाले रेस्टोरेंट में रुके हैं यहाँ पर। और थोड़ी देर बस यहाँ पर निकलने वाले हैं, एक दो घंटे के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा अपनी लोकेशन पर। सबसे पहले तो अपना जो काम है, मेन काम कंपनी वाला काम, वो करना ज़रूरी है, तो पहले वो करते हैं कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं होता। सो पहुंच गए हैं गुजरात के अंदर। सो अभी आ चुका हूँ ऑटो के अंदर और अपना बैग यहाँ पर रख दिया। मेरे से बड़ा मेरा बैग लग रहा है इस टाइम पर, बस अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मेरे के साथ में जा रहा हूँ। डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल के हिसाब से करना पड़ता है। और वैसे लाया है इस टाइम पर, वैस भी आया है, रास्ते पर जा रहे हैं। अपने कंपनी वाले स्टेशन पे पहले तो ये मैनली काम वो कर लेना है। मेरा मेल ही जाता है आपके पास, सही है मामला। चलो अभी चलते हैं भैया के साथ में, उनके साथ में जर्नी करते हैं। अभी बस से उतरे थे और बस से उतरते थे कि कैब ने ऑटो किया यहाँ पे, ऑटो वाले दोस्त हैं, पहले बता रहे थे मुझे 150 और मैंने उबेर से किया तो 64 में हो गया। हाँ डिस्काउंट ठीक है यार, क्या ही दिक्कत। सुबह सुबह मौसम इतना गर्मी जैसा होता भी नहीं है, तो कैब करने की मतलब ऐसे। इन 200 मीटर्स एट मधुपुरा चौक मधुपुरा सर्कल टेक द सेकंड एग्जिट ऑन न्यू मधुपुरा रोड। ठीक है, सुबह भी जरूरी है लाइफ में, वो ना हो तब दिक्कत होने लग जाती है, दिख नहीं रहा हूँ, दिक्कत होने लग जाती है। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं जल्दी ही कंपनी पर। काफ़ी देर से कंपनी में बैठा हूँ और मेरे लिए खाना आ चुका था। खाना मैंने कंप्लीट कर लिया, जो कि आप मेरी हालत देख के आगे देखिए बता ही सकते हो। मेरी छाछ भी अभी बची हुई है, खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है और बाकी लोग भी खाना खाने गए हुए हैं और मैं बैठा हुआ यहाँ पे फायरबॉक्स में। और ये वाला खाना बड़ा टेस्टी आता है, कैपिकॉर्न सेकंड रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा है ये। और लंच इनका पैक आता है तो अच्छा लगता है। ये सब कुछ ही है अभी की इन्फॉर्मेशन। टाइम बताऊँ तो 3:30 बजे हो चुके हैं आई थिंक, हाँ शायद टाइम इतना ही हो गया होगा। और उसके बाद मैं यहाँ से निकलना है दीदी के पास में, हाथ मेरे ख़राब अभी, हाथ मुझे वॉश भी करना है और फिर निकलते हैं दीदी के पास में। बस अभी तो यही है सब कुछ। और मैंने हाँ सामान वामान मैंने ले लिया है, पैक मेरा सामान हो चुका है और बिलिंग विलिंग भी यहाँ पर, ये बिल रखा हुआ मेरा। और थोड़ी देर बस निकलने वाला है यहाँ से। सो अभी आ चुके हैं कंपनी से डायरेक्ट ऑटो में। कंपनी में मैं एक अवार्ड भी मिल दे दिया है फायरबॉक्स का। मेरा बैग यहाँ पे रखा हुआ है, अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड पे। ऑटो कर लिया क्योंकि कैब यहाँ पे आ नहीं रही थी इस वजह से, और ऑटो वाले भैया के साथ में जा रहे हैं बस स्टैंड, फिर वहाँ से बस पकड़ते हैं आगे जाने के लिए। आज क्या ही भीड़ है यहाँ पे। तो ये है नडियाद का बस स्टॉपेज, और अभी आ चुका हूँ एक ऑटो में यहाँ से घर पे निकलने के लिए, मतलब जहाँ पे दीदी वगैरह मम्मी जी पापा जी हैं इस टाइम पे वहाँ पे। और कुछ इस टाइप का है ये नडियाद का बस स्टॉप। ऑटो की बड़ी ख़राब है बट क्या कर सकते हैं, तो जैसा जो मिला है उसमें है ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएंगे भैया, तो चलते हैं यहाँ से। सो मैं पहुँच गया था कल, थोड़ा लेट पहुँचा यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, आते ही नहाना वहाना सब कुछ कम्प्लीट किया। और ब्रीफ में बताऊँ तो बस गुजरात पहले पहुंचा, फिर अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से कंपनी का काम किया, और काम करने के बाद में वहाँ से अपन आए नडियाद बेसिकली, और कंपनी वाला काम अपना हो चुका है, नडियाद भी अपन आ चुके हैं, तो सही ये सब कुछ था, ब्रीफ में मैंने बता दिया। सो कल वाले ब्लॉग को अब एंड कर रहे हैं। टाटा बाय, गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।